नमस्कार, सनसेट टीवी के खास कार्यक्रम द लॉ मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता और द लॉ मेकर्स के इस अंक में बात होगी संसद में सांसदों की भूमिका को लेकर। हम बात करेंगे किस तरह से जनता की आकांक्षाओं को लेकर संसद में सांसद उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं, लॉ मेकर्स के तौर पर उन सांसदों का क्या योगदान रहता है विधेयक से बिल बनाने के रूप में, कानून बनाने के रूप में उन सांसदों का। साथ में बात होगी पार्लियामेंट कमेटी की और बात होगी सांसदों को मिले विशेषाधिकार की। तो इन सभी मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के रीवा से आने वाले वरिष्ठ सांसद जनार्दन मिश्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में। जी, आपका भी धन्यवाद। सर, आप वरिष्ठ सांसद हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, एक लंबा अनुभव है राजनीति का आपके पास। सर, सांसदों की एक अहम भूमिका होती है लॉ मेकर्स के तौर पे जब वो संसद भवन में आते हैं चुनकर, उनके उस दायित्व को आप कैसे देखते हैं? एक सांसद जब चुनकर आते हैं, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में जो सांसद हैं, उनके उन दायित्वों को कैसे आप देख रहे हैं सर? कि इन कर्तव्यों का विभाजन आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो जनता की विकास की आकांक्षा, क्षेत्र के विकास की आकांक्षा, और दूसरा कानून के निर्माण की का खंड जो है। तो इसमें जनता के विकास की जो आकांक्षा होती है उसके दृष्टि से हर सांसद अपने क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं, जनता की जो मांग होती है, और नहीं भी है तब भी उसको लगता है कि नहीं, ये अगर काम हो जाए, ये इस तरह की गतिविधि हमारे क्षेत्र में चले तो इससे हमारे क्षेत्र के नागरिकों का, जनता का एक विकास होगा, वो चाहे बौद्धिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, भौतिक विकास हो, आवागमन के साधनों का विकास हो, शैक्षणिक विकास हो, किसी भी तरह का। तो वो उस तरह की समस्याओं को लेकर के अपने विजन को यहाँ पर विभिन्न मंत्रालयों में, लोकसभा के माध्यम से विभिन्न नियमों के आधार पर वो उठाता है। दूसरा, एक कानून बनाने की जहाँ की भूमिका के पक्ष में जहाँ तक सवाल है, तो जब सरकार बिल लाती है या कि स्वयं प्राइवेट मेंबर बिल सदस्य लेके आते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल्स का तो कोई बहुत ज़्यादा स्वीकार होती नहीं, और वो लगभग एक दृष्टिकोण या किसी विषय पर बिंदु पर अपना एक कानून बनाया जाए, इस तरह की बात सामने आ करके वो रह जाती है। दूसरा होता है सरकारी बिल जो आते हैं उनको फिर विधेयक के रूप में परिणित करना, कानून के रूप में परिणित करना, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और उसमें सरकार द्वारा जो बिल लाया गया है उसे कानून के रूप में परिणित करने के लिए बहस होती है, उसमें सभी पार्टी के सदस्यों को समय अध्यक्ष के अनुमति से अलाट किया जाता है, हर मुद्दे पर चर्चा के लिए एक समय निर्धारित होता है, उस समय के अनुसार फिर पार्टी के संख्या के आधार पर उस पार्टी को समय मिलता है, और उस समय के आधार पर पार्टी अपने वक्ताओं को मौका देती है कि वो अपनी बात रखें, और उस दृष्टि से फिर अगर ऐसा कभी कभी आता है कि सर्वसम्मत बिल पास हो जाता है, और कभी कभी परिस्थिति आई कि वोटिंग हुई तो फिर अब उसमें वोटिंग में सदस्य संशोधन रखते हैं, उन संशोधनों पर भी मतदान होता है, और कभी पूरे बिल पर। तो इस तरह से कुल मिला करके वो एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब जा कर के वो कानून बन पाता है। सर, कानून बनने तक की बात की, लेकिन कानून में एक सांसद अहम भूमिका निभाता है लॉ मेकर्स के तौर पे, और उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है संसद की समिति का। संसद की समिति साल भर काम करती है, एक मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करती है, और जो बिल चाहे वो राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो, जब कमेटी के पास जाता है तो पार्टी लाइन से ऊपर उस पर गंभीर चर्चा होती है, मंथन होता है, और एक निष्कर्ष निकाल कर टेबल किया जाता है हाउस को। कितनी अहम प्रक्रिया है पहला, और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ आप स्वयं कौन कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी में हैं सर? ये वास्तव में एक अद्भुत जो व्यवस्था है,
इस लोकतंत्र का में आप कल्पना नहीं कर सकते कि जो चीज़ें पार्लियामेंट के लोकसभा या राज्यसभा में दिखाई देती हैं वो संसदीय समितियों की बैठकों में नहीं होती। वहाँ पर तो एक एक मुद्दे पर राष्ट्रीय हित में इस बिल की क्या महत्ता है और इस उपयोगिता के इसको उपयोगी बनाने के लिए और क्या क्या से क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, और लगभग हर बिल पर मैं तो समझता हूँ कि 99.99% एकमत राय होती है। कहीं कहीं डिसेंट नोट कोई लिख दे अलग बात है, मतदान की नौमत अभी तक मैंने तो 10 वर्षों में देखा कि किसी बिल पर नहीं आई। तो ये जो पर्दे के पीछे जो जनता को नहीं दिखता वो एक बहुत ही स्वर्णिम अध्याय है अपने इस संसदीय परंपरा का, एक खंड है वो, जिसको वास्तव में अपन कह सकते हैं कि वो इस संसदीय परम विधि निर्माण का प्राण तत्व। बिल्कुल, अगर उसे आप कहें संसदीय समितियों के विमर्श को तो उसमें कोई दो राय नहीं होती, दो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस वजह से संसदीय समितियों का तो बहुत ही बड़ा योगदान है कानून बनाने में, कानून के सुधार में, उसको जब तक वो पार्लियामेंट में प्रस्तुत नहीं हो जाता उसकी रिपोर्ट तैयार करते तक बहुत बड़ा ही भूमिका इस इन समितियों की होती है। आप किस किन समिति में हैं सर? मैं इस समय तो मुख्य रूप से ग्रामीण विकास समिति, पंचायती राज समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति और एक जो स्टैंडिंग कमेटी है वो वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन, तो इन तीन समितियों में हूँ। सर ग्रामीण, पंचायत और वन एवं पर्यावरण समिति, सर एक अद्भुत कार्य किया है, मंत्रालयों की भी बात करें तो अद्भुत कार्य किया है, और जिस तरह से पूरी दुनिया ने जलवायु परिवर्तन के लिए भारत की अगुवाई को स्वीकार किया, जो मंत्री भूपेंद्र यादव की अगुवाई को स्वीकार किया, अद्भुत था। अब हम इसी से जुड़ाव से सवाल करते हैं, आप वरिष्ठ सांसद हैं, 9 साल से लोकसभा में हैं, मोदी सरकार के कौन से अहम ऐसे बड़े बिल, चाहे ट्रिपल तलाक की बात करें या कोई और बिल, जिसको आपने बनते हुए देखा और उसका आज बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरे देश में है? GST 20 वर्षों से लटका हुआ मुद्दा था और उसको जिस तरह से मोदी जी की सरकार ने, और आज वो जेटली जी हमारे बीच नहीं है, उन्होंने एक राय बनाई, प्रणब मुखर्जी जैसे धुरंधर लोग भी संपर्क सरकार में प्रयास करने के बावजूद भी एक राय नहीं बना पाए, लेकिन मोदी जी की सरकार में चाहे वो भाजपा की राज्य सरकारें हों या दूसरे दलों की राज्य सरकारें हों, सभी ने एक मत से और पूरे सांसदों ने एक राय से इसको निर्मित किया। वो अपने आप में वो क्षण अभूतपूर्व था हम लोगों के लिए भी, और जीवन में शायद सबसे अविस्मरणीय क्षण वो रहेगा। देर रात तक 12 बजे से शुरू होकर के और इस तरह से, तो वो एक अभूतपूर्व बिल था। और सबसे बड़ी इसमें विशेषता थी कि सर्वसम्मत हुआ और आज भी GST में जो भी निर्णय हो रहे हैं सर्वसम्मत हो रहे हैं, कहीं भी कोई बिना सर्वसम्मत के कोई भी निर्णय नहीं हो रहा है। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व कानून बना इस देश में। उसके बाद आप ट्रिपल तलाक को ले लेकर के बात है, और CA 370 का हटाना, ये कुछ अभूतपूर्व निर्णय रहे, कानून बने और बिगड़े, जिनको लेकर के देश काफ़ी दिनों से आकांक्षी था, उसकी आकांक्षा को पूर्ण करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। और अखंड भारत की बात करते थे, लेकिन भारत में भी अभी एक खंड ऐसा था जिसमें भारत के संविधान के कई खंड लागू नहीं होते थे, तो इसे एक भारत बनाने का काम तो मोदी जी की सरकार ने कश्मीर से एक कर दिया पूरा। वो इसी से जुड़ा हुआ सर एक सवाल, जिस तरह से आपने बताया कि 9 साल का एक मजबूत नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और इतने ऐतिहासिक बिल, सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को पूरी दुनिया ने भी स्वीकार किया है, चाहे हम विश्व योग दिवस की बात करें या G20 का जो शिखर सम्मेलन है जो भारत की अगुवाई में हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 2023 को मिलेट्स
ईयर्स के तौर पे मनाने का जो भारत सरकार का प्रस्ताव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरकार का प्रस्ताव, उसको यूएन ने स्वीकार किया और आज पूरी दुनिया मोटे अनाज के सम्मेलन को भारतीय अगुवाई में मना रहा है। कितना बड़ा गर्व का पल है ये। निश्चित रूप से जब हमारे किसी प्रस्ताव को दुनिया मानती है तो ऐसा लगता है कि हम कितना दबे हुए थे, जबकि हमारी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं था। पर आज चाहे योग दिवस हो या ये स्त्री अन्न वाला तो गजब का हो गया है, और इससे में तो भारत की लीडरशिप स्वाभाविक रूप से बनती ही थी, लेकिन इसको कभी उठाया नहीं गया इस मुद्दे को। और नरेंद्र मोदी जी एक विजनरी और दूरदर्शी व्यक्तित्व हैं और ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, तो उन्होंने इस मोटे अनाज की महत्ता को बचपन से ही जाना है, और इस वजह से कहीं ना कहीं उनके मन और मस्तिष्क में मोटे अनाज के प्रति श्रद्धा थी, और इस वजह से उन्होंने इसको आगे किया और आकर के आज विश्व में मोटे अनाज, जिसको अपन ने श्री अन्न नाम दिया है, उसको लेकर के निश्चित रूप से विश्व में गरीब, खासकर गरीब मुल्कों में जिनमें पौष्टिक आहार की कमी की वजह से कुपोषण है, रक्तल्पता है और भी कई जो बीमारियां हैं पौष्टिक तत्वों की कमी की वजह से, उन बीमारियों से दुनिया को मुक्ति दिलाने में मोटे अनाज का ये क्रम बहुत ही आगे जाकर के कामयाब होगा, और इसमें भारत इसका नेतृत्व करेगा, क्योंकि सर्वाधिक अन्न उपजाऊ करने की जो प्रथा रही है वो भारत में रही है। इधर पश्चिम का नकल करके हमने कुछ दिनों से उस प्रथा को तोड़ा है और मोटे अनाजों का उत्पादन कम किया है, लेकिन अब फिर से एक नया जन आंदोलन खड़ा होगा, और मैं स्वयं किसान परिवार से आता हूँ, तो निश्चित रूप से लगता है कि अब किसान भी इधर, अब हमारे इलाके में कोदो, ज्वार और सरसों, ये सामा कुटकी की होती थी, उसको भी किसान अपनाएंगे, और उससे केवल स्वास्थ्य के प्रति नहीं, किसानों का स्वास्थ्य भी सुधरेगा, और इस मोटे अनाज की कीमत दुगनी तिगनी मिलेगी, तो वो अपने आप में एक किसान के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक है, मनुष्य के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक है, दुनिया के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक। और दूसरी अहम बात की ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी खासी मजबूत होगी, और जो 250 करोड़ जो ग्रामीण अंचल के किसान हैं उसको भी एक संबल मिलेगा सरकार की इस योजना के तहत। सर, अब हम बात करते हैं संसदीय परंपराओं की। बड़ा अहम होता है लोकतंत्र में परंपराओं का निर्वहन करना, और खासकर अगर बात करें प्रश्नकाल, जीरो आवर और स्पेशल मेंशन, ये तीनों पहर खासे अहम माने जा सकते हैं। जिस समय माननीय सांसद को मौका मिलता है प्रश्नकाल में, तो वो समय उनके लिए भी काफ़ी अहम होता है, बल्कि जो क्षेत्र की आकांक्षाएं होती हैं उससे भी जुड़ी होती हैं। इन तीनों पहर को कैसे देखते हैं, और लोकसभा स्पीकर का तो खास फोकस रहा है इन तीनों पहर को संचालित करने के लिए, सही तरीके से चले, गतिरोध कम हो इस पर, तो ये तीनों पहर कितना इम्पोर्टेंट है, और सर इन पहरों में आपके द्वारा उठाए गए कौन से अहम बिंदु अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर? अब ये प्रश्नकाल तो ये तीनों चीज़ें तो दो, कम से कम ये जीरो आवर और प्रश्नकाल तो ये किस्मत का मामला है, लॉटरी निकल गई तो निकल गई, नहीं तो 5 वर्ष भी तो प्रश्न आता ही नहीं। तो ये प्रश्नकाल तो एक राष्ट्रीय महत्व का काल होता है, उसमें सांसद के व्यक्तिगत ज्ञान और उसकी रुचि और उस रुचि पर देश को, समाज, उस विभाग की कार्य पद्धति को सुधारने और उसको संभालने का काम प्रश्नकाल में होता है, लेकिन जो मुख्य रूप से सांसद का दूसरा जो इंटरेस्ट का होता है वो जीरो आवर होता है, और 377 की तहत अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुख रूप से उठाता है, और कभी कभी राष्ट्रीय समस्याओं को भी जीरो आवर में उठाने का काम सांसद करते हैं, पर मुख्यतः फोकस ये होता है कि हम अपने क्षेत्र की समस्या को संसद के अंदर उठाएं, और इसके लिए काफ़ी सांसद को सक्रियता के साथ भाग ले करके, और वो काम करते हैं सांसद, तो उसमें जीरो आवर में 377 नियम 377 और ये प्रश्नकाल तीनों में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। पर ये प्रश्नकाल तो बिल्कुल लॉटरी वाला, जैसे लॉटरी निकल गई तो निकल गई, नहीं तो आप बरसों का पड़े रहिए, निकलती भी नहीं है। सर, अब एक अहम सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सर, एक सांसद जब आता है चुनकर तो एक विजन के साथ आता है, आप एक लंबे समय से संसद में हैं, लोकसभा में हैं, और एक आपका अनुभव है,
कुछ विजन होगा जिसके लिए आप लगातार काम कर रहे हैं संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए, और कुछ अपेक्षाएं और होंगी कि मैं अपने रहते हुए, अपने संसद में सांसद रहते हुए इन कार्य को पूरा कर सकूं, तो सर वो कौन सा विजन है, वो कौन सी आकांक्षाएं जनता की जिसको लेकर आप लगातार काम कर रहे हैं? कि कुछ तो राष्ट्रीय आकांक्षा थी, मैंने नीम पर मैं काम करता था, और जब मैं पिछली बार एग्रीकल्चर कमेटी में था तो मैं नीम कोटेड यूरिया के लिए प्रयास किया और उस पर मैं कहूँगी कि उर्वरक मंत्री उस समय स्वर्गीय अनंत कुमार जी थे, उन्होंने मुझको पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर बुला कर कहा कि वो तुम्हारा पत्र कहाँ है जो नीम कोटेड यूरिया चाहते हो, तो मैंने उनको वो पत्र बना करके दिया, तो कहाँ यार ये पत्र मैं ढूंढ रहा था, वो मिल नहीं रहा था, और दूसरे दिन फिर वो नीम कोटेड यूरिया का की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी। तो मैं समझता हूँ कि नीम कोटेड यूरिया को लेकर के कृषि संसदीय समिति से लेकर के और मंत्रालय तक मैंने जो प्रयास किया वो मेरा एक विजन था। मैं शुरू से ही नीम लगाने को, नीम के पौधे वितरित करना, नीम के पौधे लगाना इस काम में को मैं बहुत अरसों से कर रहा था। तो उसको मैं समझता हूँ कि एक राष्ट्रीय पहचान, एक राष्ट्रीय उपलब्धि उस विजन को मिली। दूसरा, ये ग्रामीण विकास विभाग में भी कुछ सड़कों का मामला था कि एक सड़क इधर से आ गई, दूसरी सड़क इधर से आ गई, एक किलोमीटर डेढ़ किलोमीटर का टुकड़ा खाली है, वो किसी गांव में जुड़ नहीं पा रहा है, तो उसको भी जोड़ने के लिए मैंने बात की और वो भी एक सिद्धांतता स्वीकृति मिली, और इससे अब एक सड़क जो 10-15 किलोमीटर इधर बनी हुई, 15 किलोमीटर उधर बनी हुई, 2 किलोमीटर के पैच की वजह से वो टुकड़े अलग थे, तो वो 32 किलोमीटर की सड़क बन गई। तो इस तरह से मैंने राष्ट्रीय फलक पर इन समस्याओं को उठाने का काम किया, और उसमें मुझे सरकार ने, मैं तो आभारी हूँ कि कमेटी ने भी इस प्रस्ताव को भेजा और सरकार ने भी इसे माना। तो इस तरह से कुछ ऐसी राष्ट्रीय मुद्दे थे जो जिन पर हमको सफलता मिली। जहाँ तक क्षेत्रीय विकास का सवाल है तो हमारा तो अभी हम संपर्क विहीन जिले के रूप में थे, यहाँ पर अब मोदी जी के ही कारखंड में चारों दिशाओं के लिए 4 लेन सड़कें बनी, देश की सबसे चौड़ी टनल बनी और आरओबी बने, फ्लाईओवर्स बने, रेलवे के नेटवर्क का विकास हुआ, और पहले 5 या 6 ट्रेनें चलती थी, आज इधर 9 वर्षों के कार्यकाल में आज ये 15 ट्रेनों की संख्या बढ़ गई, दूनी हो गई। हवाई अड्डे की स्वीकृति हुई और 50 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी स्वीकृत किया है और 150 करोड़ रुपए आगे और देंगे। तो इस तरह से कनेक्टिविटी के मामले में रीवा ज़िला जो पूरी तरह से अछूता था, आज वो सड़क कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी तीनों से जुड़ने का क्रम उसका शुरू हुआ है, और हवाई अड्डा बनने के बाद अपन एयर कनेक्टिविटी से भी जुड़ जाएंगे। तो मुख्य रूप से संपर्क सही साधनों के विकसित होने से क्षेत्र के औद्योगिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक विकास और चिकित्सा के क्षेत्र में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमको मिला 140 करोड़ के लगभग केंद्र सरकार ने दिया, और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की वजह से कोरोना के समय मेरे आसपास तो प्रयागराज है, बनारस है और जबलपुर है, लेकिन कोरोना के समय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की वजह से इन ज़िलों से भी लोग मेरे पास आते थे कि मुझको अपने एडमिशन, हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं पड़ी और किसी तरह से बेडों की कोई कमी नहीं हुई। तो कोरोना के समय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने जो केंद्र सरकार ने दिया, उसकी वजह से हम कोरोना के समय अपने लोगों को बचाने में, आसपास के लोगों को बचाने में सफल रहे। एक अंतिम सवाल की ओर बढ़ेंगे सर। एक तो पहला सवाल कि आप वरिष्ठ सांसद हैं, आमतौर पर जो संसद की एक तस्वीर होनी चाहिए जो जनता चाहती है, क्षेत्र चाहता है, पूरा देश देखना चाहता है, गतिरोध कम हो, चर्चा और संवाद हो जिससे मसलों का हल निकले और जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। वरिष्ठ सांसद होने के नाते अगर मैं आपसे कहूं कि आप क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए संवाद कितना ज़रूरी है?
लोकतंत्र की आत्मा ही संवाद है, और अगर संवाद नहीं होगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। फिर सांसद का एक फॉर्मेलिटी है, बाकी तो कोई उसका औचित्य नहीं रह जाता, लेकिन जनता इसको पसंद नहीं करती। जनता तो संवाद चाहती है और वाद विवाद देखना चाहती है, सुनना चाहती है, उसको पसंद करती है। संसद टीवी हो या कि और भी दूसरे माध्यम हो, वो देखने के लिए ही लालायित रहते हैं लोग कि संसद लोग किस तरह से बातचीत कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और कई गंभीर अध्येता होते हैं कि वो वहाँ से उस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इस समय विपक्ष की जो परिस्थितियाँ हैं, उसकी जो रणनीति है, उसमें इस तत्व की कमी दिखाई दे रही है, और इस भाव की कमी है, तत्व के साथ साथ भाव की कमी है, और भाव की कमी बहुत बड़ा कारक होती है किसी तत्व को बनाने या बिगाड़ने में। तो मैं समझता हूँ कि भाव होना चाहिए कि हमें तो जनता ने वाद विवाद के लिए भेजा है, सड़क के वाद विवाद के लिए नहीं, संसद में वाद विवाद के लिए भेजा है, तो उस भाव के आधार पर हमारा आचरण जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। सबसे बड़ी चीज़ तो आचरण है, हमारा चरित्र है, हमारा बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, सांसद के रूप में यहाँ पर हमारे व्यवहार, ये सारी चीज़ें पब्लिक के नज़र में रहती हैं। और इसी वजह से आपने देखा कि कई जो इस तरह के अलोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का या कि लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उनके विपरीत आचरण करने वाले सांसदों को फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रवेश के लिए, यहाँ जनता प्रवेश बंद कर देती है जी। तो इसलिए अपना आचरण व्यवहार और पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर भी एक सुचरित्र व्यक्तित्व के रूप में, संवेदनशील व्यक्तित्व के रूप में हमारी पहचान बने, ये एक सांसद की कल्पना होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर जो सांसद इस तरह की कल्पना करेगा कि मैं एक चरित्रवान व्यक्ति के रूप में जाना जाऊँ, एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में जाना जाऊँ, मैं एक जन आकांक्षाओं के अनुरूप अपने आचरण करने वाला सांसद जाना जाऊँ, तो निश्चित रूप से उसको जनता स्वीकार करती है। बहुत बड़ी बात कही लोकसभा के वरिष्ठ सांसद जनार्दन मिश्रा, जो कि मध्य प्रदेश के रीवा से आते हैं। पूरी बातचीत के दौरान एज एन लॉ मेकर उन्होंने कई सारे अहम पहलुओं पर चर्चा की। उनका साफ तौर पर कहना है कि क्वेश्चन आवर, जीरो आवर जो है लोकतंत्र की आत्मा है, और देश की सबसे बड़ी पंचायत में उन मुद्दों की चर्चा जो जनता की सीधी आकांक्षाएं होती हैं, सांसद उन्हीं पहरों में कर सकता है। इसलिए लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये सारे पहर चलनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने पार्लियामेंट कमेटी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संसद की जो समितियां होती हैं वो वास्तव में लघु संसद के तौर पर, मिनी पार्लियामेंट के तौर पर साल भर काम करती हैं, और पार्टी लाइन से ऊपर हटकर, किसी भी राजनीतिक दल की विचारधाराओं से अलग हटकर देश की प्रगति और देश की नीति बनाने में इन लॉ मेकर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है उन कमेटी के द्वारा। साथ साथ जनार्दन मिश्रा चूंकि सीनियर एक लोकसभा सांसद है, उनके मन में एक वेदना भी है। उनके मन में वेदना है कि अगर संसद में संवाद नहीं होगा तो कैसे लॉ मेकर्स जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकेंगे। और उन्होंने सलाह दी है कि आप सभी सांसदों को जो चुनकर आते हैं, चाहे उच्च सदन में या लोकसभा में, उन सभी को जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए। सर, आपने हमसे बात की और कई गंभीर मुद्दों पर बात की, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत आभार, आपने मौका दिया अपनी बात, हमारी बात रखने का, इसके लिए संसद टीवी का बहुत बहुत आभार सर, थैंक यू। तो ये थे लोकसभा के वरिष्ठ सांसद जनार्दन मिश्रा, जिनका साफ तौर पर कहना है एज एन लॉ मेकर वो अपनी भूमिका को बहुत ईमानदारी से निभा रहे हैं, और जो उनका विजन है उसके लिए वो लगातार काम करते रहेंगे। कैमरामैन ब्रज राउत के साथ अमरेंद्र गुप्ता, संसद टीवी, दिल्ली।